एसेट्स यानी कि संपत्ति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन रेवेन्यू ग्रुप में एसेट्स के बारे में। इसमें सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो है फिक्स्ड एसेट्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फिक्स्ड एसेट्स अस्थाई संपत्ति, ऐसी संपत्तियां जो हम बिजनेस में एक से अधिक सालों के लिए यूज करते हैं, जैसे कार अकाउंट, लैंड अकाउंट, जो फर्नीचर हम यूज करते हैं अपने बिजनेस में वो ETC। फिक्स्ड एसेट्स की परिभाषा हर बिजनेस के हिसाब से बदल भी सकती है। किस तरह? जैसे यह फर्नीचर अकाउंट एक ऑफिस वर्क के लिए, मींस सपोज कीजिए हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में जो फर्नीचर यूज होता है वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन हमने जिस फर्नीचर शॉप से इसे खरीदा है उसके लिए क्या होगा? स्टॉक आइटम। तो फिक्स्ड एसेट सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को कहा जाएगा जिनका हम बिजनेस में प्रयोग करते हैं, न कि जिनका हम बिजनेस करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के बाद हम पढ़ेंगे करंट एसेट्स। करंट मैंने पहले ही बताया था, करंट का मतलब होता है जो चीज लगातार चलती रहती है। एसेट्स मीन्स संपत्ति। करंट एसेट्स के अंदर काफी सारे सब ग्रुप्स आते हैं, जिसमें पहला है डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट यानी कि जब हम अपना पैसा किसी को, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के पास जमा करते हैं किसी पर्पस या किसी समय के पूर्ण होने तक के लिए, तो उसे डिपॉजिट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कोई घर रेंट पर लेते हैं तो 2 महीने, 1 महीने या 3 महीने का रेंट हम उसके डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पर्पस क्या है? रहना। जैसे आपके रहने का वो पर्पस पूरा हो जाएगा, आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा या आपके बारे में से एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगला है लोन एंड एडवांसेज एसेट्स। लायबिलिटी में हमने लोन्स लायबिलिटी के बारे में पढ़ा है। वो वैसे लोन होते थे जो हम लेते थे, लेकिन ये वो लोन है जो हम दे रहे हैं। लोन और एडवांस को यहाँ एक ही जगह रखा गया है, जबकि इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। लोन में पैसे के बदले पैसा आना जरूरी होता है, साथ में इसमें अधिकतर हमें पैसे के साथ कुछ अलग अमाउंट, जैसे कि ब्याज जिसे कहते हैं हम, वो भी मिलता है। किंतु एडवांस में ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि एडवांस में पैसे के बदले पैसा ही आ रहा हो। बिजनेस टर्म्स में काफ़ी बार एडवांस दिया जाता है माल को कम कीमत पर प्राप्त करने के लिए, लेकिन टैली में लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स नाम से ये ग्रुप में हम दोनों तरह के लोन्स को और एडवांसेस को डालेंगे। मींस जो लोन हम किसी को दे रहे हैं या एडवांस हम किसी को किसी भी पर्पस से अगर दे रहे हैं तो उसे हम लोन एंड एडवांसेस एसेट्स के ग्रुप में डालेंगे। फिर है सन्ड्री डेब्टर्स, जिन्हें हम उधार में माल बेचते हैं, यानी हमारे व्यापारी। इन्हें डेब्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी आप कोई सेल की एंट्री करते हैं, जैसे राम अकाउंट डीआर टू सेल्स, तो यहां पार्टी अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। इसीलिए हम इसे डेब्टर कहते हैं। स्मरण के लिए काफी अच्छा रहेगा। देन क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक आपके पास एट टाइम है। जब भी हम स्टॉक गिन रहे हैं तो जितना स्टॉक हमारे पास है, जितनी वैल्यू का स्टॉक हमारे पास है, वही उस समय का क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा। फिर कैश इन हैंड, जो कैश एक्चुअली में अभी आपके पास हो। काफी बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर हमने बैंक में भी तो कैश डाला, वो तो वो भी तो हमारा कैश इन हैंड ही होगा। नहीं, चूंकि वो पैसा बैंक में है इसलिए वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, न कि आपके कैश में। कैश में सिर्फ और सिर्फ वही पैसा होगा जो एक्चुअली में आपके पास हो। जो अगर आपके पास अभी 900 रुपए है तो वो 900 रुपए ही कैश इन हैंड होगा, न कि वो जो कि आने वाला है या आपने किसी को पे कर दिया या कहीं
और या किसी और अकाउंट में आपके रखा गया है। तो कैश इन हैंड मीन्स हस्त रोकड़ जो एट अ टाइम आपके पास प्रेजेंट हो। अगला है बैंक अकाउंट। इसमें किस तरह के बैंक अकाउंट लेंगे? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इटीसी। हमने पहले भी आपको लायबिलिटी साइड में बताया था कि जो बैंक लोन अकाउंट होते हैं वो किस में जाते हैं? बैंक ओडीओसी में। किंतु जो ऐसे बैंक अकाउंट जो करंट हो या सेविंग अकाउंट हो उसको हम किस में डालेंगे? बैंक अकाउंट के ग्रुप में। तो बैंक अकाउंट के बेसिकली दो ग्रुप हो गए, एक वो बैंक अकाउंट जो लोन का हो और एक दूसरा जो सेविंग से रिलेटेड हो। तो यहां हम सेविंग अकाउंट्स को डालेंगे। तो ये थे हमारे करंट एसेट्स के सब ग्रुप। अगला ग्रुप हमारा है इन्वेस्टमेंट। जो भी हम अपना पैसा कंपनी इन्वेस्ट करती है शेयर खरीदने में, बॉन्ड खरीदने में, या किसी तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट पॉलिसी लेती है, तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसे हम क्या किस में डालते हैं? इन्वेस्टमेंट में। एग्जांपल, शेयर्स, ईटीसी। अगला ग्रुप है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। मिसलेनियस एक्सपेंस, विविध खर्चे, एसेट्स मीन्स संपत्ति, ऐसे विविध खर्चे जो हमारी संपत्ति हो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें वो खर्च डाले जाते हैं जो कि एक साल के लिए ना किए गए हों, जिनका लाभ हमें एक से ज्यादा साल, कम से कम 3-4 साल प्राप्त होने वाला हो। ऐसे खर्चों को हम मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स में डाल देते हैं और फिर साल दर साल उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। इसी तरह इसमें एक और तरह के खर्चे डाले जाते हैं जिसे कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी को बनाने से पहले हमें काफी सारे खर्चे करने होते हैं। वह खर्चे हम उस समय कंपनी के अकाउंट में डाल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, हम एक कॉलेज खोलना चाहते हैं तो एक भवन किराए पर लेना, उसका किराया जब तक कि कॉलेज खुलता नहीं है, फिर वहाँ पर स्टाफ रखना, लाइसेंस के लिए खर्च करना, बोर्ड लगाना, पेंटिंग करना, तो जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होता हम उसका अकाउंट्स कर नहीं सकते। लेकिन उसके पहले खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे खर्चों को हम किस में डालेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स में, और उसे साल दर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल डाल के रिटर्न ऑफ कर लेंगे। इसी के साथ हमारे नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स खत्म होते हैं। अगले वीडियो में आपको हम रेवेन्यू ग्रुप्स के बारे में पढ़ाएंगे। टिल देन, थैंक यू।